हेलो गाइस, वेलकम टू एम टी राइडर प्रशून यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास यामा एम टी 15 और आज मैं इसमें लगाने वाला हूँ लेडीज फुट रेस्ट। दोस्तों ये देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है और जाके नीचे के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा यामा एम टी 15 के लिए लेडीज फुट रेस्ट और ये मैंने परचेज़ किया है यामा से। लखनऊ में यामा का एक शोरूम है, वहीं से मैंने इसको परचेज़ किया था। और दोस्तों अगर इसकी कॉस्ट की बात मैं करूं तो ये मुझे 500 रुपीज़ का पड़ा था। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसको लगाना भी उतना ही इजी है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजीली आप इसको अपने घर पे अपने आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको आप मंगा सकते हैं यामा की साइट से। अगर आप जा रहे हैं शोरूम पे तो वहाँ लगा, वहाँ पे मैंने पूछा था तो बोल रहे थे लगाने का कॉस्ट अलग से पड़ेगा। पता नहीं यामा इतनी छोटी सी चीज़ का कितना कॉस्ट लेता मुझसे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको मैं लेके घर पे चलता हूँ, आराम से वहाँ पे लगा सकता हूँ। तो दोस्तों इसको, इसमें दो ही चीज़ें मिली थी, एक तो हमारा ये फुट रेस्ट था और दूसरा ये नट के साथ में, ये बोल्ट के साथ में, ये देख लीजिए इसको मैं खोल देता हूँ, बोल्ट के साथ में एक ऊपर इसके लगाने वाला क्लिप था। तो इसको लगाना बहुत ईजी है, एक बार इधर से आओ दिखाते हूँ आप सभी को। ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारा दिया हुआ है पाइप, और ये हेलो पाइप है, ठोस नहीं है पूरा। यहाँ से इसको खोल के आप देख भी सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ये देखिए बिल्कुल हेलो पाइप है, तो यानी बहुत ज़्यादा वेट नहीं है कि पूरा वेट आदमी इस पर रख दे और ये खड़ा हो जाए तो भी टिका रहेगा, वैसा नहीं है ये। और यहाँ पे जो ये दो पाइप दिए हुए हैं, तो इसमें पाइप भी है, नीचे से पोले हैं, बिल्कुल हेलो पाइप है, तो इसमें ही लगाना है। तो हम पीछे वाला जो पाइप है हमारा उसमें इसको लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। सो दोस्तों ये देखो बिल्कुल अच्छे से बैठ गया हमारा। अब क्या है, अब इसको जो है इस तरीके से इस पर लगा देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लगेगा हमारा। और इसको लगने के बाद में हमें जो इतना लंबा सा ये नट मिला था, इसको यहाँ पे फिट करना है कुछ इस तरीके से। और फिट करने के साथ साथ ये देखिए पूरा एडजस्ट कर लेना है, सीधा रहना चाहिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये फिट होगा। और फिट करने के बाद इसका मैं साइज़ बता देता हूँ, ये 12 नंबर है, 12 नंबर स्पैनर से इसको टाइट करना है। और खाली एक स्पैनर की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि इसका पीछे का जो है वो इसमें ऑलरेडी सपोर्ट दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये हम टाइट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना क्या वज़न जो है हमारा उठा सकता है। देखिए और लग तो अच्छा रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छे से पहले टाइट कर लेता हूँ फिर देखता हूँ एक बार। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है और ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या इसी से पूरी बाइक मैं सीधी कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरी बाइक को इसी से सीधा कर दिया है, तो आप इसकी मजबूती आप समझ सकते हैं। ये देखिए फिर से नीचे कर दिया और इसी से फिर से मैं उठा देता हूँ, ये देखिए पूरी बाइक उठा दी मैंने। तो पैर रखने तो पे तो ये डेफिनेटली टूटने वाला है नहीं, बस मुझे दिक्कत क्या लग रही है कि ये जो है अगर कभी ज़्यादा वेट हुआ इस पर तो ये पीछे चला जाएगा और फिर जो ये हमारी स्विंग आर्म है इसमें ये लगने लगेगा। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं बाइक को सीधा करता हूँ और इसको नीचे दबा करके भी देख लेता हूँ कि ये लगेगा तो नहीं इस पर, तो इतना नहीं जाएगा बाइक कभी भी ऊपर, ये देख लीजिए इतना नहीं जाएगा तो नहीं लगेगा। तो बिल्कुल परफेक्टली ये लग चुका है। और दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था आप सभी के लिए कि अगर आपके पास भी यामा एम टी 15 है तो इस तरीके का पार्ट आप लगा सकते हैं, जिससे कि घर में आपकी जो लेडीज़ हैं उनको बैठने में आसानी हो सके, वो पैर रख के इस पर आराम से चढ़ सकें और बैठ सकें। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके के वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।